Okay, sir. Now, the radii of the ends of the bucket of height 24 cm are 15 cm and 5 cm. Find this capacity and surface area of the bucket. मैं frustum की बात कर रहा हूँ आपका ना देखो. Frustum is a part of cone. Cone. If the over one top is cut off. Top is cut off. तो देखिए इसमें अब यहाँ पे भी आपका दो चीजें हैं. देखिए आप इसको कैसे बनाते हैं. बस ऐसे काटा हुआ ना मैंने. आपको कोई दिक्कत नहीं. आप ऐसे नहीं बनाते. मैं आपके ऊपर ऑप्शन रखता हूँ. मुझे तो पढ़ाना है ऐसा. एक्चुअली ये इन्वर्टेड है. वो इन्वर्टेड है. ये आता है ये मुझे मेजॉरिटी फिगर ऐसे बनते हैं पहले वाले. एक साथ क्योंकि ये कौन से कटा हुआ पार्ट है इसलिए आता बिल्कुल आपको और आपका हो गया. इसमें आपका देखो क्या है इसकी हाइट. दोनों को कॉमन ले लेता हूँ. फिगर ऊपर और आपका ये बनाओ. दोनों की हाइट को कॉमन ले लेते हैं. x इज इक्वल टू आपका नाम हाउ मच 24. ये दोनों के लिए काम करेंगे आपके. एंड रेडार ये देखो दिस r इज इक्वल टू दिस इज 15 सेंटीमीटर. ये देखो दिस r इज इक्वल टू ये आपका 5 सेंटीमीटर. This is the goal. R is equal to 5 cm and capital R is equal to 50 cm. ठीक है सर? ये तो कोन से कट ऑफ करके ऊपर हेड कट ऑफ करके ये एक्चुअल में बकेट अगर आपने तो बकेट आप ऐसे बनाएंगे. ये आप जस्टिफाई करिएगा तो फिगर बिल्कुल क्लियर. अब ये आपके कोर्स में है या नहीं है मुझे इसको जानने की मतलब नहीं है. मुझे आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. सिंपल सी बात. इज इट क्लियर? तो ना फिगर में ये आपका बकेट हो गया या दैट इज नॉट अ फर्स्ट. अब आपका देखो इसमें की मत द ग्रेटर रेडियस या बिग रेडियस आप जो भी कहें कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर है. द स्मॉलर द स्मॉल भी आप लिख सकते हैं रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है. और हाइट ऑफ बकेट 24 ओके दिस इज एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. यो तो टू फाइंड आउट आपका देखो पहले आपको कैपेसिटी निकालना. मैंने बार बार कहा क्योंकि बाल्टी है तो बाल्टी में आप तो पानी रखोगे पेट्रोल तो रखोगे नहीं या दूध ही रखोगे डीजल तो रखोगे नहीं केरोसिन. लेकिन मेरे कहने वाला कैपेसिटी जब भी होती है तो लीटर में आपका निकालना चाहिए. तो जो भी आएगा एग्जैक्टली तो आपका कैपेसिटी कैपेसिटी निकालना है. इससे पहले मुझे इसका वॉल्यूम निकालना. अब ये और चैनल में कैसे किया है आपको स्कूल में कैसे कराया मुझे इस पे नहीं जाना. और दूसरा आपका टीएसए और बकेट निकाल ये मैंने इसमें ऐड कर दिया सिर्फ आपको बताने के लिए कि ना बाकी थर्ड आपका ना ए फिगर इज क्लियर बी व्हाट इज गिवन सी में क्या फाइंड आउट करना है और डी में आपका नाम इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला. रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई ये कैलकुलेशन स्टेप है वर्किंग लेआउट दिस कैलकुलेशन में तो वॉल्यूम ऑफ बकेट सर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर ये अपना मोल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इसका 1/3 पाई एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर. क्लियर है फॉर्मूला फिट? यस सर. सर आर प्लस आर का होल स्क्वायर सर वेरी क्लियर. हां सर वो आर 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 प्लस आर का होल स्क्वायर आईडी नो टू नहीं है 2
बार नहीं हुआ। अच्छा हां वन अपॉन थ्री फाइव सर, इसीलिए एच आपका 24 इंटू आर मीन 15 स्क्वायर ना प्लस 15 इंटू 5 और प्लस माइनस एम राइट सर, वन अपॉन इससे खलास कर दीजिए 8 तो ना दिस इज 22 बाय 7 इंटू 8 3 एट ओके ना 225 प्लस 15 5 जा 75 प्लस 25 ना 22 बाय 7 इंटू 8 225 प्लस 15 325 देख लीजिएगा, 7 से कटता हूं तो जरूर बताइएगा मुझे सर, है नहीं कट रहा तो फिर नहीं कट रहा तो कुछ करिए फिर, क्यों नहीं करते पॉइंट है सर जी, पॉइंट है आराम से बिल्कुल ठीक है सर। अर्जुनी 16 और अर्जुनी 16 17 176 ओवर 7 इनटू 325 जी बिल्कुल क्या आ रहा है सर, सर त्रिभुवन में बोलना पड़ेगा नहीं नहीं मैंने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया फर्क थोड़ा सा पड़ेगा क्या 8164.8164.43 लेकिन अगर आपका ना कैपेसिटी ऑफ अगर इसमें लिक्विड आपका बोलता लिक्विड का मतलब अगर आपका इसमें मिल्क बोलता या वाटर बोलता तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 8164.43 1000 से आप इसको इसका मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 यही है देख लो कि 1 लीटर ये देखो ये तो आप बताओगे ना मुझे ये मैंने सही लिखा है या सर ऊपर भूल कर ये आप बताओ ना मुझे तभी तो 1 लीटर ऊपर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ओके तो ना इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 तो ये आंसर देगा 8.164 लीटर अगर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आपका पूछता है तो क्लियर हो गया। इसके बाद कभी कभी क्या होता है वो आपको कहता है कि बकेट बनाने के लिए कितने सीट की जरूरत है मटेरियल रिक्वायरमेंट ठीक है ना, तो देखो ये ऊपर से तो खुला होता है नीचे वाला तला आपका ज्यादा होता है 12। अब ये आपके तो ये सरफेस एरिया बकेट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे ये बताइए सीएसए जी सर्कमफेरेंस कहां से निकलेगा एरिया ये ऐसे रखी होती ऊपर का माउथ चौड़ा होता ना एरिया ऑफ बेस ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस और अगर ऐसे हुआ तो एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा इज इट क्लियर तो ना लैटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है जरा मुझे बताएंगे सर इसका मतलब आप लोगों ने आर प्लस आर सर डीएफ आप
पाई एल आर प्लस आर होता है सर, पाई एल आर प्लस आर और प्लस ये पाई आर स्क्वायर आपका नाम देखो दिस यस। अब आपका एल आपने निकालना है, एल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर और प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर। एच कितना है, हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर, हाइट है 26 और प्लस इसमें से आपका 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आपका ना 576 और प्लस 10 का स्क्वायर हो गया, एल इज इक्वल आपका 676, एल इज इक्वल आपका 26 96। ये हो गया सर एसेट के लिए आपका ना। अब आपका पाई, पाई का मतलब 22/7 इनटू एल आपका कितना हो गया 26 आपका 15 प्लस हो गया सर। तो आपका देखो ना ये हो गया और प्लस ये आपका देखो 22/7 ये बात को कॉमन ले लेंगे इनटू आर, छोटा वाला आर इज व्हाट 5 का स्क्वायर, तो देखो 22/7 आप इसको अंदर ले लीजिएगा तो 26 इनटू आपका दिस इज 20 और प्लस ये आपका देखो 25 तो ना 22/7 ये आपका 520 और प्लस आपका देखो 25 तो ना 22/7 इनटू व्हाट 545। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सर, इसको अगर ये कटता नहीं है इट इज नॉट इक्वल टू 3.14 इनटू 545 प्लीज मल्टीप्लाई 545 थी या तो 1500 तो वैसे ही पता लगा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया kick out so 26 plus 20 26 into 20 n plus upper 25 5 ka square ho is it clear please isme isne curve surface area pucha tha aur abhi aapne jo pucha hai ye dekho total surface area of agar aapka frustum aap likhenge agar ye yahan pe tsa bhi puchta aapka dekho tsa ye to cs se pucha tha उस समय आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ टॉप और आपका ना इसका मतलब आपका क्या हो गया ये पाई एल दिस इज आर प्लस आर दिस इज द कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये आपका देखो पाई आर स्क्वायर ऊपर टॉप और प्लस पाई आर स्क्वायर तो देखो इसमें अब आप क्या करेंगे पाई यू टेक कॉमन पाई आपने कॉमन लिया तो पाई देखो आपका कॉमन आ गया तो कई किताबों में आर स्क्वायर पहले होगा देन दिस आर स्क्वायर विल बी देन प्लस दिस एल इनटू आर प्लस आर होगा दिस श्योर। अगर वो टीएसए पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगाते तो नाम होगा दिस द तो टीएसए ऑफ फर्स्ट या बकेट के लिए आप क्या करेंगे यू विल राइट दिस आपका नाम ये पाई into r square plus l into r plus r ये आपका तो pi 22/7 रख लो नहीं तो बाद में इसको चेंज कर देंगे this is 15 का square this is 5 का square plus this is 26 into 15 और plus 5 ये देखिए तो now this is 22/7 into this is 225 plus this is 25 plus 26 into 20 तो 22/7 into ये आपका 250 और plus ये आपका कितना है 520 आपका ठीक है ना 22/7 into 0 is 770 हो गया सर ये देखो ठीक है ना is it clear देख लीजिएगा 225 plus 25 250 और आपका देखो 26 2 जा 52 तो आपका 0 आपका 57 हो गया 110 आपका देखो 2200 22 कम 22 22 कम 22 23 आपका 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर TSA है CSA आपका 171 है और आपका वॉल्यूम कितना है और कैपेसिटी कितना है
क्लियर हो गया सर। एक ही फिगर में आपका सी एस ए, क्योंकि सिंगल फिगर थी, सिंगल फिगर थी, दैट्स व्हाई सी एस ए एंड टी एस ए आपको अलग अलग फाइल होगा। और अगर आपका इसके नीचे सपोज के लिए अगर आपका हैवी स्पेयर होता या हो सकता है इसके ऊपर कोन होता और वो टी एस ए क्या था तब सी एस ए सी एस ए ऐड कर दिया, कौन होता या नीचे, कभी कभी इसके नीचे हेमिस्फीयर हो कौन तो ट्रिपल फिगर हो गए ना, अगर खाली इसके नीचे हेमिस्फीयर हो डबल फिगर हो गए, इसके ऊपर खाली कौन होगा तो डबल फिगर हो गए। तो उस समय अगर टीएसए पूछेगा तो सीएसए सीएसए ऐड हो जाएंगे, और सिंगल फिगर होगी तो सिंगल फिगर में आप सीएसए भी निकाल सकते हैं आप टीएसए भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर सर, सेटिस्फाइड है, क्लियर है, प्लीज।